हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी जेसीबी को बिना फैन बेल्ट के चलाया है? तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में बिना फैन बेल्ट के जेसीबी को चला के दिखाएंगे। तो क्या होता है बिना फैन बेल्ट के जेसीबी जब चलाते हैं, तो दोस्तों क्या इंजन सीज हो जाएगा? बिना फैन बेल्ट के चलाएंगे तो क्या इंजन काम नहीं करेगा? क्या लोडर काम नहीं करेगा? क्या जेसीबी आगे नहीं बढ़ेगी? चलिए तो इस वीडियो को देखते हैं। तो इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, देखते हैं क्या होता है जेसीबी में, क्या काम करता है, क्या नहीं करता है, क्या जेसीबी आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, क्या टेम्परेचर इसका हाई हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें दोस्तों। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो जेसीबी को चालू करते हैं। ये देखिए हमारी जेसीबी चालू हो चुकी है। तो हमारा फैन बेल्ट नहीं घूम रहा है, आपको दिख रहा है वीडियो में। ये देखिए दोस्तों, हमारा फैन बेल्ट नहीं घूम रहा है क्योंकि हमने फैन बेल्ट निकाल दिया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हमारा फैन बेल्ट हमने निकाल दिया है जेसीबी का। ये देखिए आपको दिख रहा है जेसीबी चालू है लेकिन फैन बेल्ट नहीं घूम रहा है और ये फैन बेल्ट भी निकला हुआ है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको दिख रहा होगा जेसीबी का फैन बेल्ट पूरी तरह से निकला हुआ है। और अब जेसीबी चालू करके देखते हैं, आगे बढ़ा के देखते हैं। ये हमारा मीटर है दोस्तों, रीडिंग का और डीजल का और टेम्परेचर का मीटर है दोस्तों। ये देखिए अब जेसीबी को आगे बढ़ा दिया तो ये देखिए दो पॉइंट हो गए दोस्तों, अभी दो पॉइंट हैं इसमें। तो अब ये देखिए ये तीन हो गए दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों तीन हो गए। ये अब थोड़ी देर में चार हो जाएंगे, ये चार हो गए दोस्तों। अब थोड़ी देर में पाँच हो जाएंगे, बिल्कुल थोड़ी सी देर में पाँच हो जाएंगे ये होने वाले हैं दोस्तों। ये हो गए पाँच दोस्तों, अब छः हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये छः होने वाले हैं। मतलब हर एक मिनट में एक पॉइंट बढ़ता है, मतलब पाँच मिनट में पूरा हाई हो जाता है इसका टेम्परेचर दोस्तों। बिना फैन बेल्ट के चलाओगे तो जेसीबी का टेम्परेचर हाई होता है दोस्तों। जब इसका टेम्परेचर हाई हो जाता है तो ऑटोमेटिक सायरन बजता है इसका दोस्तों, फुल टेम्परेचर होने पर। तो ये देखिए हमारी जेसीबी का भी टेम्परेचर हाई हो गया और टेम्परेचर हाई होने पर इसका सायरन बज रहा है दोस्तों। तो ये दिख रहा है। तो दोस्तों बिना फैन बेल्ट के जेसीबी चलाने पर इसका टेम्परेचर हाई होता है और कुछ नहीं होता है दोस्तों। तो इसलिए जेसीबी को कहीं भी ले जा रहे हो बिना फैन बेल्ट के, तो जेसीबी को रोक रोक कर ही चलाएं आप इसका टेम्परेचर हाई होने पर। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।